श्री प्रोडक्शंस, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार हमें मिले हैं, वैसे ही हमारी चार पीढ़ियों को राजश्री प्रोडक्शन से सिनेमा के रूप में उपहार हमें मिले हैं। राजश्री प्रोडक्शंस का सफर आजाद भारत का सफर, क्योंकि दोनों 1947 में शुरू हुए थे। और आजाद भारत की ही तरह हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हो, ना हम अपने मूल्यों को भूले हैं, ना राजश्री प्रोडक्शंस अपने मूल्यों को भूला है। और इसीलिए राजश्री प्रोडक्शंस के 75 साल सेलिब्रेट करेंगे हम आज इंडियन आइडल में। समझ में नहीं आता इनको जिंदगी में किस किस चीज के लिए कहूं बधाई हो। राजश्री की एक और खोज, फिल्म फेयर के इतिहास में ये अकेले एक्टर हैं जिन्हें बेस्ट एक्टर पॉपुलर, बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, बेस्ट एक्टर कॉमेडी और बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल सब मिले हैं। और अगर 1986 में बेस्ट विलन का अवार्ड होता तो वो भी मिलता, पर उस साल फिल्म फेयर अवार्ड हुए ही नहीं। पहली ही फिल्म जो कि राजश्री की थी, सारांश में नेशनल अवार्ड जीत लिया। ये एक्टर नहीं, पारस है। पारस हिट हो जाती है फिल्में जिस पे भी हाथ देते हैं। फिर टू-टाइम नेशनल अवार्ड विनर अनुपम खेर, टेलीविजन के सभी दर्शकों से कहूंगा कि स्टैंडिंग ओवेशन के साथ Absolutely. राजश्री के हर सदस्य को धन्यवाद दें। राखी गुलजार से लेकर सारिका जी, सचिन जी से लेकर अनुपम जी से लेकर माधुरी दीक्षित से लेकर सलमान खान, सबको बतौर लीड लॉन्च करने वाली इंडिया की धरोहर प्रोडक्शन कंपनी राजश्री के वन ऑफ द कर्णधार्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स एवर इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज प्राइड, श्री सूरज बारजातिया जी को पूरे भारत का नमस्कार। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। हमने इंडियन आइडल के पता नहीं कितने सीजन्स एंड एपिसोड्स किए हैं, लेकिन ये सीजन का ये ग्रेटेस्ट एपिसोड है, बिकॉज वी आर सो ब्लेस्ड के इतने लेजेंडरी, इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे लोग हमारे सेट पर यहाँ पर आए हैं। वी आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। ज्योति दास,
अनुपम सर, बमन सर, वैसे तो आपने कई फिल्मों की शूट्स की है, उन पे काम किया है, लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं जो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, अभी एक आध महीना ही हुआ है इन्हें इंडियन आइडल पे, क्या ये किसी प्लेबैक सिंगर से कम है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा घर का नाम बिट्टू है, तो मैं उस छोटे शहर के बिट्टू को हमेशा जिंदा रखता हूँ। अनुपम खेर और बिट्टू में हमेशा झड़प चलती रहती है। बिट्टू कहता है औकात में रह, और अनुपम खेर को जमीन पे रखने में बिट्टू का बहुत बड़ा हाथ है। सॉरी, एक सेकेंड, मैं बड़े शहर से हूँ, कोई गलती हो गई मुझे। जैसे राजश्री में जो इनोसेंस है, एक्टर्स के चेहरों पे इनोसेंस है, फिल्मिंग में इनोसेंस है, टेकिंग में इनोसेंस है, आपने वही इनोसेंस बरकरार रखा आपने। मैं इस सीजन को थोड़ा फॉलो कर रही हूँ, एंड संजूती मुझे लगता है कि आप काफी विनिंग के नजदीक आ गई हैं। थैंक यू। और क्यों ना इस बार एक लड़की विनर हो जाए। हाँ, तो कितने साल हो गए यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। बेटा आपने गाया, तो आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ मैं, इतना अच्छा गाया आपने। नदिया के पार जब रिलीज हुई थी 1982 में, तो हमारी राष्ट्रीय की सबसे बड़ी हिट थी, तो मैंने प्यार किया कंप्लीट की। हम लोग डबिंग कर रहे थे चेन्नई में, तो मेरे फादर बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट क्या बनाना। मैंने कहा ज़रा सोचेंगे अच्छी तरह, तो उन्होंने एक पेपर रखा और मुझे कहा कि नेक्स्ट बनाओ नदिया के पार। तो उन्होंने ये कहा कि नदिया के पार अवधी भाषा में थी, जो आपने इतना अच्छे से गाया वो भाषा, तो वो सिर्फ 1/4 इंडिया ने देखी, तो उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड को ये कहानी जानी चाहिए। तो आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ उसी बदौलत हूँ, और ये आपने जो गाए दोनों गाने अगर देखा जाए तो वही सिचुएशन है, वही सिचुएशन है, लड़का लड़की एक सफ़र में है, बस मैंने सिर्फ उसका रुख बदला है, कपड़े बदले, लेकिन आज भी कितने लोग मुझे ऐसे मिलते हैं बेटा, जो कहते हैं कि उसको छू नहीं पाए आप, वो इनोसेंस जो वर्ड कही है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार से कहा, और बेटा मुझे पता चला कि आप एक बहुत अच्छी बेटी हैं। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ यहाँ तो और कलाकार बहुत बड़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है कला के प्रति करेक्ट सुर लगने के लिए। क्या बात। सो बहुत अच्छा गाओगे, बहुत फ्यूचर, बहुत बड़ा आगे जाओगे बेटा। ऑल माय ब्लेसिंग्स। तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जो माता पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती, परफेक्ट बेटी श्रवण कुमारी विदिता चक्रवर्ती। I'm not afraid to die।
बात है, क्या आइकॉनिक गाने हैं। अगर इनका वीडियो नहीं भी चल रहा तो हमारे दिमाग में पूरा गाना दिखता है, सामने नजर आता है। क्या फिल्में हैं, क्या गाने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन फिल्मों के लिए, इन गानों के लिए, एंड ऑफ कोर्स फुराची प्रोडक्शंस। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि एकदम जादू नगरी में आ गई हूँ। सूरज जी बाजू में बैठे हैं, उनके गाने वहाँ दिख रहे हैं, ये सुंदर लड़की सुंदर गाना गा रही है, ये इतने महानुभाव जजेस बैठे हैं। और जैसे ही विदिप्ता को मैंने देखा यहाँ से उतर के वहाँ जाते हुए, ओहो हो, मेरे को तो नॉस्टैल्जिया हो गया, क्योंकि इसने परांदी पहनी है। परांदी जानते हो ना, जब मैं आपकी उम्र की थी, लंबे घने बाल थे, परांदी पहनते थे हम, चूड़ियाँ परांदियाँ, ये हमारा श्रृंगार होता था। आप तो माधुरी दीक्षित की तरह आपने कपड़े पहने हैं आज, बहुत सुंदर लग रही हैं आप, और बहुत सुंदर गाना गाया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मुझे याद आ गई अपने बचपन की। इस फिल्म की, इस गाने की, यार इस सीक्वेंस की शूटिंग हुई थी, तो पहला दिन था इसकी शूटिंग का। उससे पहले वो तकिए वाला सीक्वेंस था, पिलो पास करते थे। तो मैं यश चोपड़ा जी के घर खाना खा रहा था, नेक्स्ट डे इसकी शूटिंग थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में। तो मैं जब खाना खा रहा था, और उससे पहले अनिल कपूर साहब के घर गया था, तो अनिल की वाइफ सुनीता ने मुझसे कहा कि अनुपम, यू आर नॉट ब्लिंकिंग फ्रॉम वन आई। तो मुझे लगा कि कुछ हो गया होगा। फिर यश जी के पास गया, उन्होंने कहा, मैंने कहा, यश जी कल रात से मेरा चेहरा कुछ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा, अपने ख़ास अंदाज में पहन दे रखे, तू डॉक्टर के पास जा, ये प्रॉब्लम है कोई। तो मैं डॉक्टर में अपना बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर सिंगल के पास गया था। तो उन्होंने मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने कहा कि अनुपम जी, आप 2 महीने तक शूटिंग कैंसिल कर दीजिए, बिकॉज आपको फेशियल पैरालिसिस हो गया। ओह माय गॉड। अब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल से वापस घर आ रहा था और मैंने कहा क्या करूँ, इतना बड़ा सेट लगा हुआ है। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आज घर चला गया तो मैं पूरी जिंदगी लाइफ की डिफिकल्टीज के भागता रहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेट पे चला जाता हूँ और सेट पे सबको बोलता हूँ कि मेरी ये सिचुएशन है, मगर मैं शूटिंग करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं गया तो सूरज ने कहा कि मैं सेट कैंसिल कर देता हूँ, आप 2 महीना रेस्ट करिए। बट आई सेड नो, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो वो सारी चीज़ें आज मैंने अभी, मैंने पूछा, मैंने कहा मेरा क्लोजअप क्यों नहीं दिखा रहे, तो कहते हैं मैंने अवॉइड किया था आपके क्लोजअप को। हालांकि पिलो सीक्वेंस में वो, अगर आप आज देखें उसको और फ्रीज करके देखें, तो मेरा उसमें भी कोई क्लोजअप नहीं है और पूरा चेहरा मेरा टेढ़ा है। अरे ये क्या हुआ? नहीं नहीं, ये फंसे थे, इन्होंने लिया नहीं। अरे वाह, अरे वाह, जल साहिबा देख रही हैं आप? भाभी जी, नो चीटिंग। बट बीते एक और चीज बेटा, आई वांट टू टेल यू, आपने जैसे गाया, आपका जो मतलब इंडियननेस है, तो मुझे सुमन याद आई, मुझे प्रीति याद आई, मुझे पूनम याद आई। सबने येलो पहना है, सबने ये, तो मतलब ऑफ कोर्स सिंगर तो आप हैं ही, बट कभी मन हो, हल्का सा भी मन हो, टू बिकम अ एक्ट्रेस, राष्ट्रीय हीरोइन बहुत अच्छी तरह से करोगे आप। तो मैंने मैंने आई थिंक आई मे बी राइट आदि, बट दिल दीवाना भी गाया था ना इन्होंने, मैंने वो देखा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने एपिसोड में देखा था आपका। तो मैं चाहूँगा कि सर तो खुद सिखाते हैं एक्टिंग, अगर सर थोड़ा सा कुछ एक हल्का सा स्क्रीन टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट। क्या हो रहा है? आप ही के टाइटल से मैं इनकी एक परफॉर्मेंस करवाना चाहूँगा, छोटा सा। फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, आपने उसका गाना गाया। Yes, 9 रस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट किस्म के 9 भाव होते हैं, तो आप 4 भावों में हम आपके हैं कौन कह के दिखाइए। तो पहला प्यार से, वो किसी को भी बोल सकते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। हम आपके हैं कौन। अच्छा, नहीं नहीं, कोई गलत कुछ नहीं है, मैं इसको थोड़ा ठीक करूं। हाँ प्लीज सर। अब मन में कुछ सोचिए कि मैं इसलिए बोल रही हूँ। रेडी, एक्शन।
हम आपके है कौन. ओके, बिना सिर हिलाए करो अभी, बिकॉज सर जो है वो मदद करता है एक्टिंग में. हम आपके हैं कौन, तो लगता है सर ने बोला है, मन से बोला. हम आपके हैं कौन. परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड. दूसरा क्रोध. हाँ, आप इनको बोलिए. थैंक यू सर, सही इंसान चुना है सर. आप इनके चेहरे पर एक ऐसा चेहरा रखिए जिसको आप अच्छे, जो आपको अच्छा नहीं लगता है. आप बोलिए. समझिए मैं चिराग हूँ. हम आपके है कौन, है कौन. हम आपके है कौन, है कौन. जजेस, हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है उनके लिए नीना जी ने एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान किया है. क्यों नीना जी. एक है छुटंकी सी लड़की, पगलेट सी, यंग सी, उसके साथ कुछ सरप्राइज किया है. सो प्लीज वेलकम सिंगिंग की मास्टरनी, पर असल में स्टैंडर्ड 9 की छात्रा अनुष्का पात्रा. ओह, कोई नया भेस. Yeah.
आपने तो इसको मतलब पूरा ही बिल्कुल चेंज कर दिया। मेकओवर होता है ना आजकल। सच में टैलेंट हो तो ऐसा, यहाँ पर एक से एक बढ़ के लोग हैं। हालांकि मैं जब देख रही थी तो ऐसा हो रहा था, काश उस वक्त मैं भी जवान होती तो तब मुझे रोल मिलता। लेकिन चलो, बुढ़ापे में मिला मिला तो सही। कितना नॉस्टैल्जिया है आपने सूरज और राजश्री फिल्मों ने क्या लोगों को जीने का तरीका सिखाया है। फेस्टिवल कैसे मनाने हैं आपने हिंदुस्तान को सिखाया अपनी फिल्म से, इस खासकर इस फिल्म से, कि शादी कैसे करनी चाहिए और कैसे मतलब ये गाने जो हैं ये हमारी, मैं इसमें नहीं भी काम कर रहा तो हमारी साइकी का हिस्सा है। एंड दैट क्रेडिट गोज टू यू। देखिए 75 साल में 1947 15 अगस्त को देश का जन्म हुआ था और उसी दिन इनके दादाजी ताराचंद बड़जात्या जी ने एस्टैब्लिश की थी राजश्री प्रोडक्शन। 75 सालों में केवल 60 फिल्में बनाई हैं मगर हिंदुस्तानी रीति रिवाज को इन्होंने एक भी फिल्म में नहीं छोड़ा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी भी और आपकी भी। आपने बेटा बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। क्या है कि पीछे विजुअल चल रहे हैं एक्चुअल गाने के, गा आप रही हैं तो समझ नहीं आ रहा आप गा रही हैं जो जिसने पिक्चर में गाया वो गा रही हैं। क्या बात है। सो दैट आई थिंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सूरज सर, मेरा एक सवाल था सर आपसे, गुलेल जैसा हथियार ये आपने एक रोमांटिक सिनेरियो में डालने का कैसे सोचा सर? आई डिड नॉट नो कि गुलेल को ऐसा आज भी 35 साल के बाद याद रखेंगे गुलेल का एक्शन। जी सर। और मेरे पास एक सीन था जिसके अंदर माधुरी को पूछना है कि मतलब ये गुस्ताखी आपने हमसे क्यों की, हम आपके हैं कौन? क्यों हम आपके हैं कौन? तो अभी गुस्ताखी वर्ड मैंने लिख दिया पर गुस्ताखी करें क्या? तो अब उसमें मैं फंस गया। गुस्ताखी करें क्या? कई हफ्ते बीत गए तो एक पंजाबी गाना मैं देख रहा था उसमें ऐसे गुलेल, वो अब वो गुलेल जो ऐसा गया तो फिर मैंने ये यूज़ किया। बट अभी मुझे भी याद है, क्या बात है? हिमेजी जो माधुरी के ऊपर गुलेल मारा ना, वो एक हमारे कोरियोग्राफर के असिस्टेंट थे, सलमान ने नहीं मारा क्योंकि हम तो कट करके रहते हैं शॉट, तो वो 4 दिन तक उसने हाथ नहीं धोए। सूरज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका और सलमान भाई का बहुत ही आइकॉनिक कॉम्बिनेशन रहा है एंड उनकी वो जो सुपर सक्सेस है मैंने प्यार किया, उसमें इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो जब फर्स्ट टाइम आपने प्रेम और सुमन को चुना तो उनको जब आप मिले तो वो आपको लग गया था कि यही प्रेम और सुमन है मेरे? एक्चुअली मैंने प्यार किया जब कास्टिंग हो रही थी तो सब नए थे, न्यू कमर चाहिए था, कई लड़के लड़कियां ढूंढ रहे थे, तो मुझे अभी भी याद है कि एक लड़की थी जिनको हम लोगों ने ऑडिशन के बुलाया था, तो हम पूछ रहे थे कि कोई लड़का हो तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि सलीम साहब का एक लड़का है, मतलब सलमान करके कोई ऐड मैंने किया उनको बुला। मैंने कहा कि अभी सलीम साहब के लड़के कहाँ करेंगे हमारे साथ काम, फिर भी मैसेज दिया। तो मुझे याद है कि मेरे कमरे के बाहर रिसेप्शन है, तो मैंने झाँक कर देखा तो छोटा सा एक 5 feet 9 inches के कोई बैठा है। मैंने कहा ये तो हीरो तो है नहीं, और वो भी आए रिजेक्ट करने को सलमान भाई, क्योंकि उनको लगा कि बांसुरी और धोती पकड़ा देंगे, तो वो भी रिजेक्शन के मूड में थे। फिर मैं कहानी सुना रहा हूँ, वो बैठे, कबूतर जा जैसे आया तो उड़ गए, वो बोले ये तो मुझे करनी है। फिर उन्होंने ऐसे फोटोग्राफ रखे अपने, व्हेन आई सॉ हिज फोटोग्राफ्स दैट वॉज मैजिक। मतलब जैसे पर्सनैलिटी तो बहुत पतले दुबले, बट दैट फोटोग्राफ इज मैजिक, जिसका आज भी वॉट ही शूट्स एंड वॉट ही कम्प्लीटली। फिर मैंने उन्हें एक गाना दिया आर डी बर्मन जी का, हजारीला इंसान का, टू जस्ट माइम ओ हंसिनी, और वो जो नॉड है एक, जो एक सर हल्का सा झुकता है गाते गाते, बस उस पर वी गॉट हीरो एंड वी गॉट आवर प्रेम।
बिल्कुल सर, बिल्कुल आइकॉनिक। सूरज सर, आपने हमारे देश को एक ऐसी गेम सिखाई है कि कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन, कोई भी गेट टुगेदर इसके बिना अधूरा है। द परफेक्ट गेम, और वो है अंताक्षरी। मैंने प्यार किया कि अंताक्षरी। तो चलिए उस अंताक्षरी को रिक्रिएट करते हैं। हाँ जी, तो समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। आहा, क्या बात है? समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। वाह, हरि, हरि आप। तो लेडीज फर्स्ट, तो आप लोग आ से गई जैसे एहसान कर रहे हैं। क्या काम? जा 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 मुझे ना अब याद आ, जा मुझे ना अब याद आ, ओ मुझे भूल जाने दे, जाने दे। जा 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 मुझे ना अब याद आ तू। बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा हाल कैसा है जनाब का? कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कहूँ मैं खरी कि दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी, दुनिया एक नंबरी तो मैं दस नंबरी। अरे रामचंद्र कैसिया से, ऐसा कलयुग आएगा हंस चुनेगा दाना सुन का कौवा मोती खाएगा। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है।
गोरे रंग पे ना इतना गुमान करे ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमान करे ओ गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा कर रुक जा रुक जाओ जाने वाली रुक जा मैं तो राही तेरी मंजिल का नजरों में तेरी मैं बुरा सही आदमी बुरा नहीं मैं दिल का रुक जा यहां मैं जाती हूं अरे हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने चाहे तू माने चाहे ना माने चाहे तू माने चाहे ना माने अरे हम तो चले आए सनम तुझको मनाने चाहे तू चाहे ना पब्लिक है पब्लिक बाबू ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है अजी अंदर क्या है अजी बाहर क्या है अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है होठों में ऐसी बात होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई खुल जाए भाई की बात तो रिमेम्बर लता जी टुडे बिकॉज हम बहुत डर रहे थे अनुपम सर ये जब अंताक्षरी उनको बताना था तो उनको गाना था रफी साहब के गाने उनको गाना था अलीशा के गाने हमको ये बाद में स्ट्राइक किया अरे उनसे तो बोलना पड़ेगा बहुत धीरे से गए उनको कहा बिकॉज उन्होंने कभी किसी और के गाने नहीं गाए दिस इज दी ओनली अंताक्षरी सॉन्ग जब उन्होंने कहा अंताक्षरी है तो मैं गाऊंगी तो काटे नहीं कटते लता जी ने अलीशा का गाया फिर हम तो चले परदेश रफी साहब का गाया मतलब शी ब्रोक ऑल रूल्स फॉर अस टुडे वेरेवर शी इज आई एम थैंकफुल
चलो काम पे लग जाओ, काम करो सब। सोनाक्षी और शिवम आ जाओ, तालियां बजाइए। बहुत मुझे आपने जब गाया तू चल में आई तो मुझे याद है ये गाना पहले फिल्म में था नहीं, 10 गाने ऑलरेडी हो गए थे नया। तो एक बार लक्ष्मण जी का मेरे पास फ़ोन आया कि एक सिटिंग और करना चाहता हूँ 10 के बाद। तो आए और बोले कि हमारे फिल्म में ना एक डुएट नहीं है। मैंने कैसा डुएट? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सुनो कहो कहा सुना कुछ हुआ क्या, बोले ऐसा चाहिए गाना। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। और बोले सुनो तो सही। तो बोले मैं एक ट्रक में जा रहा था दिल्ली में, तो ट्रक के पीछे लिखा था तू चल में आई। तो तू चल में आई उन्होंने पढ़ा और वहाँ से वो धुन बनाई। अनुपम सर आप बोलते हैं जैसे राष्ट्रीय का संस्कार ये हम लोग को धरोहर में मिली है सर, मेरा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इमेज जी पहले जो देव कोहली जी ने लिखा था, आजा रात होने आई मौसम ने ली अंगड़ाई तो किस बात की लड़ाई तू चल में आई। तो मेरे फादर ने बोला सूरज आजा शाम होने आई, मेक इट शाम नॉट रात। I agreed, that was my only contribution to it. अगले सिंगर को मैं सालों से जानता हूँ, बड़ी बड़ी फिल्म्स में प्लेबैक देने के बाद भी नए उभरते बच्चों के साथ फिर कम्पीट करने के इनके जज्बे ने मुझे इनका फैन बना दिया। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में न दूंगा, आवाज में न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे मैं तुझे सांझ सवेरे
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। लविंग पीपल, थैंक गॉड हम भी शामिल है उसमें, कैसे हम लोग घुस गए। लेकिन बोलने का मेन मतलब है कि मैं हमेशा सूरज जी से पूछता हूँ, रफ़ी साहब के बारे में बताओ, बिग फैन यू नो, रफ़ी साहब के बारे में बताओ। तो बोला वो गाना गाते, इतना अच्छा गाते थे, सुना है। फिर बाहर आके पूछते थे कि कैसा गाया मैंने, कैसे गाया मैंने। तो बोला बहुत, मतलब मेरी नौकरी पक्की ना। रफी साहब ने हमेशा ये बोला, इट इज द स्वीटेस्ट एंड द हम्बलेस्ट थिंग, मतलब मेरी नौकरी पक्की ना। दिस इज ग्रेटनेस, आई विश ऑल ऑफ यू हैव दैट काइंड ऑफ हम्बल ग्रेटनेस। एब्सोल्युटली। प्रीत सिंह, आपने मौसम बदल दिया। चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, नारी इंसारी सेन गुप्ता संचारी। Yeah.
करते हैं ऊंचाई की पूरी टीम की तरफ से इंडियन आइडल को. थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली 75 इयर्स. मैं तो आधा ध्यान मुझे वहीं था. जैसे जैसे गाने आ रहे थे मुझे लक्ष्मी जी दिख रहे हैं, रविंद्र जैन जी दिख रहे हैं, मेरे फादर दिख रहे हैं, ग्रैंडफादर दिख रहे हैं, असद भोपाली जी दिख रहे हैं, राम लक्ष्मण जी दिख रहे हैं, कितने लोग चले गए, कितने लोग हैं. और मैं एक और छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरी बुआ जी हैं, जयपुर में रहती हैं, उनका नाम राजश्री है और उनके नाम से ही ये राजश्री प्रोडक्शंस का शुरू हुआ. शी इज़ अ ग्रेट वॉचर ऑफ इंडियन आइडल और आज सबसे पहले उन्होंने कहा कि आई एम सो हैप्पी कि आप जा रहे हो. अरे क्या बात है. तो इट्स जस्ट कम टू अन होल सर्कल. सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी हैप्पी कि आज मुझे बुलाया गया, हम सबको बुलाया गया. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.